नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। मनी इज समथिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ। पैसे के बिना आदमी का गुजारा नहीं है। मनी इज़ अ वेरी एसेंशियल एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसके बिना जो है आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। मनी मेक्स थिंग्स कंफर्टेबल फॉर यू, मेक्स थिंग्स ईजी फॉर यू। लेकिन अगर मनी ही आप के लिए सब कुछ बन जाए, मनी के अलावा आप कुछ और ना सोच सकें और उसको जो है एक्युमुलेट करने में लग जाए, बस उसको इकट्ठा करने में लग जाए, और लेकिन धीरे धीरे ये भूल जाएं कि किस लिए इकट्ठा कर रहे थे, किस लिए जो है आपने मनी को जो है आपने एक्युमुलेट करना शुरू किया, तो फिर एक दुर्घटना हो गई, तो फिर एक एक्सीडेंट हो गया। इट्स सिंपली यू नो, आपने कुछ ऐसा इकट्ठा कर लिया जिसको जो है आपने कभी यूज़ ही नहीं किया। और इस एक्युमुलेशन में अगर आदमी जो है इतना खो जाए तो वो अपने आप को खो देता है और धीरे धीरे जो है उसकी आत्मा भी खो जाती है। आज जिस कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स देखेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कीवर्ड्स रहेंगे कंट्रोल, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पोजेशन, ग्रीड, मटीरियलिज्म। तो वी सी अ मैन सिटिंग ऑन अ स्टूल अवे फ्रॉम हिज होम टाउन। ही इज टाइटली होल्डिंग ऑन टू हिज पेंटिकल इन अ वेरी डिफेंसिव पॉस्चर। हम एक इस आदमी को देखते हैं जो कि अपने होम टाउन से दूर है, जो कि कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज करता है कि लाइक ही हैज कम फ्रॉम हिज होम, अवे फ्रॉम होम टू अर्न मनी। वो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है कि वो कहीं ना कहीं अपने घर से जो है दूर हो गया, वो अपने आप से कहीं ना कहीं दूर हो गया, जिसकी वजह से वो बस एक दौड़ में लग गया है पैसे कमाने की। और उसने जो है अपने पेंटिकल्स को जो है बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे एक पेंटिकल जो है उसने सर पे बैलेंस करा हुआ है, एक उसने जो है हाथ से पकड़ा हुआ है, और दो जो है उसने पैर के नीचे दबा रखे हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि उसने जो है पेंटिकल्स अपने आप को दबा के रखे हैं, वो कहीं ना कहीं पर भी जो है वो जा नहीं सकता। ये एक ऐसी स्टेज शो करता है कि लाइक ही हैज़ बिकम स्लेव टू द मनी, ही हैज़ बिकम स्लेव टू व्हाट ही हैज़ अर्नड, ही हैज़ बिकम स्लेव टू व्हाट ही हैज़ एक्युमुलेटेड। तो अगर हम इस आदमी को समझेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इस आदमी ने जब पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था उसके पीछे रीज़न ये था कि यू नो ही वॉन्टेड अ कम्फर्टेबल लाइफ, ही वॉन्टेड अ ब्यूटिफुल लाइफ, ही वॉन्टेड टू मेक श्योर यू नो दैट ही हैज़ एवरीथिंग, वट एवर विल ब्रिंग सेटिस्फैक्शन टू हिज लाइफ। But what has happened is he has accumulated more than whatever is needed. He has accumulated four times more. That is what is shown in the Four of Pentacles. तो हम Four of Pentacles में हम देखते हैं एक ऐसी फिगर जिसने बहुत कुछ accumulate कर लिया है। अब accumulate होने की वजह से एक अटैचमेंट हो गई है, एक बहुत गहरी एक अटैचमेंट हो गई है जो उसने इकट्ठा करा है, क्योंकि उसने मेहनत बहुत करी थी इसको इकट्ठा करने में। इकट्ठा तो कर लिया लेकिन यूज़ नहीं करा। बहुत लोगों के अंदर जो है ये आदत होती है कि वो इकट्ठा तो करते हैं लेकिन उनको खर्च करने की कला नहीं आती। तो सिर्फ पैसे आने से भी कुछ नहीं होता। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट, आप जो है कहीं ना कहीं उस पैसे के साथ ही जो है कहीं ना कहीं दफन हो जाएंगे। पैसे का एक पर्पस था, पैसे की एक वजह थी, और पैसे को जो है उसको उस एनर्जी को आपको अपने बॉडी के अंदर यूज़ करना था, अपनी बॉडी और माइंड के साथ उसको जो है जोड़ना था। लेकिन हुआ क्या, आप उसको एनर्जी को इकट्ठा करते गए और उस इकट्ठा करने में इट हैज़ नॉट गिवन यू एनीथिंग। इन फैक्ट यू हैव बिकम मोर पुअर। वो ज़्यादा अच्छा था कि जब आपके पास पैसे नहीं थे, देर वॉज स्टिल सम काइंड ऑफ अ रिचनेस इन योर हार्ट, लेकिन इस एक्युमुलेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं गरीब हो गए। एंड दिस फिगर इज़ ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट नो वन टचेस हिज पेंटिकल्स, कि कोई उसके पेंटिकल को हाथ ना लगा सके, तो बिकॉज ही हैज़ बिकम माइजर इनसाइड, बिकॉज ही हैज़ बिकम ग्रीडी इनसाइड, जिसकी वजह से वो खुद भी खर्च नहीं कर पा रहा और वो किसी और को भी खर्च नहीं करने दे रहा। सो इट शोज अ पोजिशन वेयर ही इज स्टक एंड ही कांट गो एनीवेयर। तो पैसा अगर आपकी लाइफ में आ जाए और वो आपको बंदी बना ले कि आपकी जो है फ्रीडम ले ले, तो उस पैसे का क्या यूज़। पैसे के कारण जो है आपकी लाइफ में मुक्ति आनी चाहिए, फ्रीडम आनी चाहिए, आपको हेल्प करना चाहिए, आपकी लाइफ को ग्रो करना है। लेकिन अक्सर हमें जो है उल्टा देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि पैसे के कारण जो है आदमी जो है और दब जाता है, उसकी फ्रीडम कहीं ना कहीं मारी जाती है। तो इस कार्ड में दोनों एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है।
पॉजिटिव ये है कि देर इज़ अ फ्लो ऑफ मनी विच इज़ देयर, दैट द मनी हैज़ एक्चुअली कम टू दिस पर्सनस लाइफ विच इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, बट ही हैज़ नॉट यूज दिस ब्लेसिंग इन अ प्रॉपर वे एंड इट हैज़ बिकम ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट. जो नेगेटिव जो है इस कार्ड का वो ये है कि दैट दिस पर्सन हैज़ बिकम बाउंडेड विद हिज मनी, दैट ही स्टक विद इट, ही कांट गो एनीवेयर, हिज फ्रीडम इज़ गॉन. अगर आप देखोगे ध्यान से तभी इस फिगर को बैठा हुआ दिखाया गया है और ऐसी पोजीशन में दिखाया गया है, ऑल्दो ही कैन गो एनीवेयर बट ही कांट. अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो वो आपको जो है अनहैप्पी और अनफुलफिल्ड दिखेगा. कितनी स्ट्रेंज बात है कि इस आदमी को जो पैसा चाहिए था वो तो मिल गया और वो कहीं ना कहीं जो है उसको एक राजा का मुकुट भी उसके सर पे आ गया. तो जिस तरह की वो लग्जरी अपने लिए चाहता था, जिस तरह का वो राजा बनना चाहता था, बन तो गया लेकिन वो उसके अंदर जो है अटक गया, वो उससे बाहर नहीं आ पाया और इसी पैसे के कारण जो है वो कहीं ना कहीं स्लेव हो. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू एक्युमुलेट व्हाटएवर इज़ नीडेड एंड नॉट मोर देन दैट. स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बोलते हैं कि अगर आप जो है जितना आपको चाहिए उससे आप थोड़ा सा और ज़्यादा ले लें, दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू. लेकिन अगर आप ज़्यादा 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 कुछ कर लेंगे, एक्युमुलेट कर लेंगे, उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि आप जो है उसके साथ अटक जाएंगे. लाइफ जितनी सिंपल हो जाए उतनी ब्यूटीफुल है, लाइफ जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मूव करना. सो जब भी फोर ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में आ रहा है वो आपको बोल रहा है कि दैट यू नीड टू लूजन अप, यू नीड टू गिव अप वट एवर एक्स्ट्रा विच इज़ देयर विच हैज़ बिकम लाइक अ बर्डन इन टू योर लाइफ. जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप जो है उतनी लाइफ से जाने दीजिए और जितना आपकी लाइफ जो है रिलैक्स हो जाएगी, जितना आपकी लाइफ जो है हल्की हो जाएगी उतनी जो है ब्यूटीफुल हो जाएगी. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर फोर ऑफ पेंटिकल्स. जाते जाते एक कोट जो कि एलन वॉट्स का है, वो कहते हैं, बुद्धस डॉक्ट्रिन मैन सफर्स बिकॉज ऑफ हिज क्रेविंग टू पोजेस एंड कीप फॉर एवर थिंग्स विच आर एसेंशियली इम्परमानेंट. दिस फ्रस्ट्रेशन ऑफ द डिज़ायर टू पोजेस इज द इमीडिएट कॉज ऑफ सफरिंग. तो एलन वॉट्स भी जो है बुद्धा की विस्टम की तरफ इशारा करते हैं. वो ये कहते हैं कि जितना आप एक्युमुलेट कर लेंगे उतना ही आपके लिए जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा मूव करना. लेकिन अगर आपको एक ये चीज़ समझ में आ जाए कि एक्युमुलेट आप करते रहें, लेकिन एक्युमुलेशन के साथ आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि नथिंग स्टेज हेयर फॉर परमानेंट, जो भी आपके पास है दिस इज़ ऑल गोइंग टू गो अवे बिकॉज अल्टीमेटली वी आर जस्ट हेयर टेम्प्रेरी and we have to leave this earth one day. So with this I end my reading for you for four of pentacles. I hope this wisdom helps you in your life and makes you a better person. Thank you so much for watching. I will see you in my next one. Namaste.